10 फरवरी 2021 की प्रथम शिफ्ट में आयोजित एनटीपीसी की परीक्षा देने वाले सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि आपने अपना पेपर अच्छे से किया होगा, और जो आपने पेपर किया था बिल्कुल मैं अच्छे से आशा करता हूं कि यही प्रश्न जो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं यही के यही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में मिले होंगे। मैं नहीं कहा आज सॉल्यूशन करूंगा कि आपने इनमें से कितने प्रश्न सही किए हैं। जहां तक मेरे को आंकड़े प्राप्त हुए हैं उन आंकड़ों के अकॉर्डिंग मैं यहां पर प्रश्न लेके आया हूं और इन्हीं के आधार पे मैं यहां पे सॉल्यूशन करूंगा। सबसे पहले पहला प्रश्न देखते हैं, भारत रत्न नहीं मिला। ऑप्शन में दिए गए थे चार ऑप्शन दिए गए थे, उन चार ऑप्शनों में से एक अलग करना था कि निम्न में से किसको भारत रत्न नहीं दिया गया था। आप जानते होंगे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी को भारत रत्न नहीं मिला था और ऑप्शन में था आपको वही सही करना था। आगे बात करते हैं दूसरे प्रश्न पे, गांधी के आंदोलनों का क्रम पूछा गया था। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि गांधी जी के चार पांच महत्वपूर्ण आंदोलन थे जिनको मैं क्रम में बता देता हूं। सबसे पहले चंपारण आंदोलन, चंपारण के बाद में हुआ था असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन के बाद में हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और उसके बाद में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये गांधी जी के आंदोलनों का क्रम था जिसमें चंपारण आंदोलन जो है वो 1917 का है, असहयोग आंदोलन 1920 का है, सविनय अवज्ञा आंदोलन ये 1930 का है, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का है। तो ये आपको क्रम में जमाना था, पहला चंपारण, दूसरा असहयोग, तीसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन, चौथा था भारत छोड़ो आंदोलन। ये चार आंदोलन आपको क्रम में व्यवस्थित करने थे, ऐसा प्रश्न आपसे इस बार पूछा गया था। ये प्रश्न 2018 की करंट से पूछा गया, यानी कि करंट कब से कब तक की पूछी जा रही है। तो करंट 2014 की, 15 की, 16 की, 17, 18, 19 कोई फिक्स नहीं है, कहीं से भी पूछी जा सकती है, और ज्यादा आपको हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है कि करंट के एक दो सवाल ही आते हैं। 2018 का बुकर पुरस्कार किसको मिला? 2018 का बुकर पुरस्कार मिला था एना बर्न्स को। किसको मिला? एना बर्न्स को। ये आयरलैंड की थी, आयरलैंड की निवासी एना बर्न्स को 2018 का मैन बुकर पुरस्कार मिला, और ये पुरस्कार किस कृति के लिए दिया गया? तो ये किस कृति के लिए दिया गया था? मिल्कमैन कृति के लिए एना बर्न्स को क्या दिया गया? मैन बुकर पुरस्कार 2018 का दिया गया था। आगे स्टूडेंट्स हम बात करते हैं पशु गणना की। ये जो पशु गणना है ये सर्वप्रथम कब की गई थी? तो पशु गणना अगर आजादी से पहले पूछा जाता है तो 1919-20 में पहली पशु गणना हुई थी। अगर आजादी के बाद पूछा जाता है तो भारत में आजादी के बाद प्रथम पशु गणना हुई थी 1951 के अंदर। यानी कि यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि आजाद भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी, मतलब मनुष्यों की जनगणना, मानव की जनगणना वो हुई थी 1951 के अंदर, वो भी 1951 के अंदर हुई थी, और प्रथम स्वतंत्र भारत की प्रथम पशु गणना भी 1951 के अंदर हुई थी। प्रश्न अगर उल्टा पूछ ले कि भारत की प्रथम पशु गणना कब हुई थी तो 1919-20 आएगा, और प्रश्न ये पूछा जाए कि भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी तो 1872 याद रखना है। क्या याद रखना है? 1872 ये भारत की प्रथम जनगणना थी। अगर आपको दशकीय गणना का पूछे तो वो आप आ जाएगी 1881 के अंदर। 1872 में प्रथम जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के काल में, और 1881 में जो दशकीय गणना आरंभ हुई थी वो लॉर्ड रिपन के काल में शुरू हुई थी। इसके बाद बात करते हैं आगरा शहर की स्थापना की। आगरा शहर किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो आगरा शहर जो था वो सिकंदर लोदी के द्वारा स्थापित किया गया था। सिकंदर लोदी के द्वारा ये आगरा शहर स्थापित किया गया था। इसके बाद प्रश्न था केदारनाथ धर्म स्थल कहां पर है? पता नहीं आपके ऑप्शन में क्या होंगे। अगर रुद्रप्रयाग वहां पे था तो रुद्रप्रयाग सही होना चाहिए था, अगर वहां पे उत्तराखंड था तो उत्तराखंड सही होना चाहिए था। तो केदारनाथ जो धर्म स्थल है ये आपके कहां पे है? रुद्रप्रयाग। और ये रुद्रप्रयाग कहां पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। तो उत्तराखंड या रुद्रप्रयाग में क्या पड़ता है? केदारनाथ धर्म स्थल पड़ता है। इसके बाद आपसे प्रश्न पूछा गया था राष्ट्रपति से संबंधित, और राष्ट्रपति से संबंधित क्या प्रश्न था? शायद उसमें
अलग असंगत छाटना था, राष्ट्रपति से संबंधित असंगत क्या है, यानी कि गलत छाटना था। पहला शायद दिया गया था कि राष्ट्रपति जो होता है वो तीनों सर्व सेनाओं का सर्वोच्च हेड होता है, महामहिम होता है, ये आपसे पूछा गया था। और दूसरा ऑप्शन शायद था कि राष्ट्रपति जो है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है, ये भी बिल्कुल सही है। उसमें एक ऑप्शन ये था कि राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकता, शायद ऐसा था, या वित्तीय आपात राष्ट्रपति या राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगा सकता, ऐसा कुछ था। तो उसमें आपको गलत क्या करना था, ये राष्ट्रपति आपातकाल या राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति लगा सकता है, बिल्कुल लगा सकता है, ऑप्शन में वो आपको क्या करना था, बिल्कुल गलत करना था। तो बाकी सब सही थे, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगा सकता, वो आपको क्या करना था, गलत करना था, वो आपका सही उत्तर हो जाता। गूगल के सीईओ वर्तमान में कौन है, सुंदर पिचाई है, सबको पता है सुंदर पिचाई है, कौन है ये, गूगल के सीईओ है। नाबार्ड का जो स्थापना है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो नाबार्ड की जो स्थापना है ये हुई थी 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी, शिवरमन समिति की सिफारिश पर हुई थी 1982 में, ये आपको सही करना था। इसके बाद है औरंग नेशनल पार्क, अगर औरंग नेशनल पार्क आपको पूछा ये कहां पर है, तो इसका सही उत्तर क्या था, असम था। एक प्रश्न आपका और पूछा गया था काजीरंगा से कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है किसके लिए फेमस है, तो एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। फिर प्रश्न पूछा गया था सुरक्षा परिषद से कि सुरक्षा परिषद का संबंध किससे है, आप सभी जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ से, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ का जो एक पोर्शन रहता है, पार्ट रहता है, वो क्या रहता है, सुरक्षा परिषद रहता है। फिर आपसे पूछा गया था प्रश्न जीएसटी से संबंधित, इसमें भी आपको असंगत पहचाना था, इसमें कुछ इस प्रकार से प्रश्न हो सकता था कि जीएसटी जो है वो कब लागू हुआ भारत के अंदर, गुड एंड सर्विस टैक्स इंडिया के अंदर कब लागू हुआ, तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। ये कैसा कर है, तो ये एक अप्रत्यक्ष कर है। 1 जुलाई 2017 को भारत के अंदर जीएसटी यानी कि गुड एंड सर्विस टैक्स लागू हुआ, ये एक अप्रत्यक्ष कर है, और इसमें कुछ अलग था जो आपको क्या करना था, असंगत करना था या उसकी पहचान करनी थी। नेक्स्ट प्रश्न था आलू का खाने योग्य भाग कौन सा है, तो आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, तना, तो आपको ये तना सही करना था क्योंकि आलू एक प्रकार का तना ही है, तो खाने योग्य भाग भी क्या हो जाएगा, तना हो जाएगा, आपको तना सही करना था। काजीरंगा नेशनल पार्क अभी बता चुका हूं, एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। कान्हा नेशनल पार्क ये किसके लिए प्रसिद्ध है और कहां पर है, ये असम के अंदर है काजीरंगा, कान्हा कहां पे है, कान्हा एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर है, और ये यहां पे बाघ परियोजना भी चलाई जा रही है, इसलिए किसके लिए प्रसिद्ध हो गया, बाघों के लिए प्रसिद्ध हो गया। प्रश्न पूछा गया था कि नील नदी का प्रवाह किन किन देशों में होता है, तो वहां पे आपको क्या क्या सही करना था, एक युगांडा में इसका परिवहन होता है, प्रवाह होता है, दूसरा उत्तरी सूडान में इसका प्रवाह है, दक्षिणी सूडान में इसका प्रवाह है, इसके अतिरिक्त मिस्र के अंदर भी इसका प्रवाह है। तो युगांडा, उत्तरी सूडान, दक्षिणी सूडान और मिस्र के अंदर नील नदी का क्या होता है, प्रवाह क्षेत्र होता है। हम जानते हैं कि जो मिस्र की सभ्यता है वो भी किस नदी के किनारे है, नील नदी के किनारे है, और बाकी यहाँ का जो कैलेंडर है वो भी यहाँ नील नदी के आधार पे ही क्या किया गया है, जारी किया गया है। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी कौन ले गया था, इसका कमेंट बॉक्स में आप टाइप करिए, प्रश्न तो बिल्कुल यही था, आप इसको कमेंट कीजिए इसका उत्तर क्या होगा, ये प्रश्न मैं आप पे छोड़ देता हूँ। राज्यसभा का प्रथम उपसभापति कौन था, तो ये था कृष्णमूर्ति राव, कौन थे, कृष्णमूर्ति राव इसका सही उत्तर था। भारत में जो राज्यसभा है ये एक उच्च सदन है, क्या है, भारत में राज्यसभा और लोकसभा ये संसद के दो सदन हैं, जिसमें लोकसभा निम्न सदन है जबकि राज्यसभा क्या है, उच्च सदन है, और उच्च सदन जो राज्यसभा है इसका एक सभापति होता है और इसका एक उपसभापति होता है। प्रथम सभापति तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा प्रथम सभापति थे। अगर पूछा जाता है भारत में जो राज्यसभा उच्च सदन है इसका प्रथम उपसभापति कौन थे, तो कृष्णमूर्ति राव ये भारत में राज्यसभा का प्रथम उपसभापति थे। इसके बाद पूछा गया था राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग आते हैं, कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति से संबंधित है, तो मैं आपको बता देता हूं सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रपति में एक तो आपको आर्टिकल 52 याद रखना है, एक तो आपको आर्टिकल कौन सा याद रख लेना है, आर्टिकल आपको 52 याद रख लेना है, एक आपको आर्टिकल 53 याद रख लेना है,
इसके अतिरिक्त निर्वाचन इनका 54 में आता है, 54 याद रख लेना है। इसके अतिरिक्त आपको 61 याद रख लेना, क्योंकि यहां पर महाअभियोग की क्रिया होती है राष्ट्रपति पर। इसके अतिरिक्त आपको आर्टिकल 72 याद रख लेना है, क्योंकि यहां पर ये किसी को भी क्या कर सकते हैं, स्वतंत्र कर सकते हैं। किसी को सजा हो गई है तो वहां सजा माफ कर सकता है, किसके अकॉर्डिंग, आर्टिकल 72 के अकॉर्डिंग। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको राष्ट्रपति के संबंध में याद रखनी है। फिर आपसे प्रश्न पूछा गया था कैग से संबंधित, कैग यानी कि जो ये महाधिवक्ता होता है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था। सॉरी, कैग का मतलब होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये किस आर्टिकल के अनुसार आते हैं, तो आर्टिकल 148 में अपना कैग आता है। और वर्तमान में इसके जो कैग हैं वर्तमान में कौन है, तो ये गिरीश चंद्र मुर्मू है, गिरीश चंद्र मुर्मू। तो गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, जो कि आर्टिकल 148 के अकॉर्डिंग आते हैं। इसके अतिरिक्त प्रश्न पूछे गए थे साइंस के दो, वो भी मैं आपको करा देता हूं। अक्रिय तत्व पूछा गया था, चार ऑप्शन में थे, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि आपको पूछा गया हो हाइड्रोजन, दो ऑप्शन में आपको दिया गया हो ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन में हो गया नाइट्रोजन और चौथा ऑप्शन में हो गया नियॉन। तो आपको ये पहचान करनी थी कि जो ये चार तत्व दिए गए हैं, इन चार तत्वों में ऐसा कौन सा तत्व है जो कैसा तत्व है, अक्रिय तत्व है, यानी कि क्रियाशील नहीं है, वो किसी से क्रिया नहीं कर पाता है, अक्रिय तत्व है। तो उसमें आपको सही करना था नियॉन। एक प्रश्न आया था सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी तत्व कौन सा है, तो यहां पे मैं बता देता हूं। यहां पे भी ऑप्शन अगर हाइड्रोजन या कुछ चेंज कर देते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये मैंने चार दे दिए। इन चारों में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी तत्व कौन सा हो गया, फ्लोरीन हो गया। आपको शायद इसमें क्लोरीन भी दिया गया था, लेकिन क्लोरीन सही नहीं होगा, फ्लोरीन सही होगा, जो कि सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आज 10 फरवरी 2021 की प्रथम शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट के अंदर पूछे गए थे, फर्स्ट शिफ्ट के अंदर ये प्रश्न पूछे गए थे, जिनका मैंने सभी का अच्छे से सॉल्यूशन करवा दिया है। आपको इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में टाइप करना है कि दिल्ली से दौलताबाद राजधानी कौन ले गया था। तो लगातार आप जुड़े रहिए, और अगला जो सेकंड शिफ्ट आएगी उसका भी हम सॉल्यूशन कराएंगे। लगातार जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।